हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक फेशियल किट का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। O3 का विटामिन सी फेशियल है ये, और इसका प्राइस आप देख सकते हो यहाँ पर 560 रुपीज़ है। और ये है 4 स्टेप फेशियल किट, और ये बहुत मस्त वाली फेशियल किट है। चलो फेशियल किट के बारे में बाद में बताऊंगी, पहले ये बता दूँ O3 के बहुत सारे फेशियल किट के रिव्यू मेरे चैनल पर हैं। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जाइए, आपको एक प्रॉपर लिस्ट मिल जाएगी मेरे चैनल पर फेशियल के नाम से। आपको बहुत सारे फेशियल किट के रिव्यूज़ उस प्ले लिस्ट में मिलेंगे। अब बात करते हैं इसके बारे में। तो ये है O3 का विटामिन सी फेशियल किट, जिसमें है क्लिंजर एंड देन शुगर स्क्रब एंड देन इसका मसाज क्रीम, और ये है इसका वाइटनिंग पील ऑफ मास्क। देखिए वाइटनिंग पील ऑफ मास्क अगर अगर आप अलग से लेते हैं तो वो भी 500-600 का आता है, लेकिन इसमें 550 में आपको पूरी पूरी किट मिल जाती है। अच्छा, सबसे मजे की बात बताऊं, मैंने इसको परचेज कहाँ से किया था। मैंने इसको परचेज किया था फर्स्ट क्राई से, जहां पर मुझे 35% या 45% का डिस्काउंट मिला था। आई वॉज शॉक्ड कि अमेजोन O3 की खुद की वेबसाइट, नाइका, पर्पल, कहीं पर इतना अच्छा वाला डिस्काउंट नहीं चल रहा था। फर्स्ट क्राई भी मुझे इतना अच्छा डिस्काउंट मिला ना, तो मतलब मेरे से रहा नहीं गया। मैंने O3 के बहुत सारे फेशियल वहां से परचेज किए। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं फेशियल करना। नंबर वन पर था इसका क्लिंजर, तो क्वांटिटी काफ़ी अच्छी मिलती है, 5 ग्राम मिलती है। और इसको जब भी आप ओपन करो ना, आई सजेस्ट कि एक बार में फिनिश कर दो, बचा के मत रखो, क्योंकि वो अगले दिन तक सूख जाता है। मैं इसके बहुत सारे फेशियल कर चुकी हूँ तो मुझे अच्छे से इसका एक्सपीरियंस हो गया है। ठीक है, अब आपको क्लिंजर लेना है नंबर वन पर, और क्लिंजर इसका जेल बेस्ड है, जैसे कि आप देख सकते हो। फेशियल तो ऑल स्किन टाइप है, लेकिन बहुत 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 अच्छे वाले रिजल्ट हैं इसके। अब देखिए शादियों का सीजन स्टार्ट हो गया है, बहुत सारे लोगों की शादी होने वाली है, बहुत सारे लोग शादी में जाने वाले हैं, तो फेशियल तो करना ही है आप लोगों को, चेहरे को चमकाना ही है। तो मेकअप करने से बिल्कुल पहले फेशियल मत करना, मेकअप करने से 24 घंटे पहले या 48 आवर्स पहले आप फेशियल कर लेना। मतलब शादी में जाने से पहले 2 दिन पहले फेशियल कर लो, 1 दिन पहले कर लो, क्योंकि आप फेशियल करोगे उसके ऊपर मेकअप कर लोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं पता लगने वाला। तो 2 दिन कम से कम आपके चेहरे पर आराम, मतलब रेस्ट चाहिए, रिलैक्सेशन होनी चाहिए, तब आपका मेकअप भी अच्छा लगता है, स्किन भी अंदर से ग्लो करती है। तो क्लिंजर को अच्छे से अपने फेस पर लगाना है, एंड देन उसके बाद से इसको अपने फेस को वॉश कर दीजिए। 2 से 3 मिनट अच्छे से अपने फेस की क्लिंजिंग कीजिए, ये पूरे फेस का डर्ट अच्छे से निकाल देता है। देखो फर्स्ट स्टेप के बाद ही कितना फर्क पड़ गया। अब नेक्स्ट स्टेप है इसका शुगर स्क्रब, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया, रीज़न मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ, बताती हूँ क्यों। स्क्रब तो देखो बहुत अच्छा था इसका, बहुत अच्छा वाला स्क्रब किया इसने, पूरे ब्लैक हेड वाइट हेड अच्छे से निकाले, सारी डर्ट निकाल दी। बट इसमें ना शुगर के, चीनी के ना मोटे मोटे दाने डाले हुए थे, जो कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी स्किन को बहुत ज़्यादा हर्ट करेंगे। हर्ट किया नहीं क्योंकि मैंने उसको बाद में निकाल दिया, लेकिन बाकी के स्क्रब की बात करूँ तो बहुत अच्छा था, और स्क्रब की क्वांटिटी इतनी थी कि एक बार में फिनिश हो गया। तो स्क्रब को करने से पहले धीरे धीरे अपने फेस पर आप इसको सर्कुलर मोशन में करना, और अपने हाथों को गीला कर लेना। मैंने अपने हाथों को पहले तो इसको ड्राई ही लगाया, एंड देन उसके बाद से अपने हाथों को अच्छे से गीला करके अपने फेस पर इसको मसाज करना स्टार्ट किया। साथ के साथ मैंने लिप्स के ऊपर भी कर दिया, क्योंकि ये शुगर स्क्रब था तो लिप्स को भी इसने अच्छे से एक्सफोलिएट कर दिया। मेरी ना जो लिप्स हैं थोड़े से ड्राई फील हो रहे थे, तो लिप्स भी मेरे नॉर्मल हो गए थे। अब मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर देखना आप, मोटे मोटे चीनी के दाने दिखाई देंगे। तो देखो फेशियल बहुत अच्छा है, डेफिनेटली आप इसको परचेज कर सकते हो, लेकिन जो इसमें शुगर के दाने हैं ना, उसको आप साइड में कर देना, निकाल देना, क्योंकि ऐसा ना हो स्क्रब करने के चक्कर में, देखो देख रहे हो मेरे फेस पर चीनी के आपको मोटे मोटे दाने दिख रहे होंगे, मैं अभी निकाल के भी आपको दिखाती हूँ। वजह यही है कि ऐसा ना हो जो हमारी स्किन है वो टियर हो जाए कहीं से, या कहीं कोई स्क्रैच पड़ जाए, फिर तो हो गया शादी में मेकअप, और जा चुके हैं हम शादी में अच्छे से, है ना, ग्लोइंग स्किन दिखाने। अच्छा देखो हाथ में आने के बाद भी मैंने इतनी हिम्मत की कि मैंने सोचा चलो लगा के देखती हूँ कि क्या क्या हो रहा है। फिर वो बार बार, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि ये तो बीच में परेशान भी कर रहा है और मेरी स्किन भी ख़राब ना हो जाए। फिर लास्ट में जितने भी शुगर के दाने मेरे हाथ में आए, सब मैंने लिए और सबको मैंने हटा दिया अपने फेस से, एंड देन बाकी का जो स्क्रब था मैंने अपने पूरे फेस पर उसको इस्तेमाल किया, और इसने बहुत अच्छे से क्लिंजिंग की मेरे फेस की। अब बस यही था जो शुगर परेशान कर रहा था, लेकिन बाकी का मेरा फेस जो है वो क्लीन हो गया। तो 3 से 4 मिनट आपको अपने फेस को अच्छे से क्लीन करना है, सारी गंदगी निकल जाएगी, सारी डर्ट निकल जाएगी, और उसके बाद से आप अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर दो। लास्ट नहीं है, ये है थर्ड स्टेप, जो कि है मसाज क्रीम। मसाज क्रीम को आप लो और कम से कम 15 से 20 मिनट तक अच्छे से मसाज करो,
क्योंकि यही एक स्टेप है जो आपके फेस पर अच्छे से ग्लो लेके आएगा। और विंटर्स का सीज़न स्टार्ट हो गया है तो ये मत समझना आपकी स्किन जो है ऑयली हो जाएगी या कुछ दिक्कत आ जाएगी, एक्ने आ जाए, कुछ नहीं होने वाला। हर जगह मौसम ठीक है इस समय। मैं देखो महाराष्ट्र में हूँ, यहाँ पर इतनी ठंड नहीं है, बट स्टिल यहाँ भी मेरी स्किन थोड़ी सी ड्राई फील हो रही थी। इसके लिए देखो ठंड नहीं है यहाँ पे, देख सकते हो मैंने सूट कैसा हाफ स्लीव वाला पहन रखा है, बट फिर भी स्किन थोड़ी सी ड्राई हो रही है। तो अच्छा, ये ऑल स्किन टाइप है, वैसे भी मसाज क्रीम ऑयली ही होती है, अगर आप नहीं इस्तेमाल करोगे अच्छे से तो फेस पर अच्छे से ग्लो नहीं आएगा। बहुत एक्सट्रीमली ऑयली है, एक्ने प्रोन है तो कम से कम 10 मिनट लगा लो, अगर ज़्यादा ऑयली नहीं है, अगर आपका स्किन ड्राई है तो कम से कम 20 मिनट करो, लेकिन मसाज अच्छे से करना है आपको। मसाज करने के बाद ही अपने फेस पर अच्छे से ग्लो आता है, तो पूरे फेस पर अच्छे से मसाज करो। देखो मैंने अच्छे से किया है, अंडर आई एरिया में भी किया है, अपने आईब्रोज के आसपास भी किया है, और सबसे मस्त बात बताऊँ मैंने अपने लिप्स के ऊपर भी किया, क्योंकि मेरे लिप्स भी चमकने चाहिए ना, पिंक पिंक दिखने चाहिए। और ये जो मसाज क्रीम्स होती हैं इसको आप लिप्स के ऊपर अच्छे से यूज़ कर सकते हो, क्योंकि जो हमारा लिप्स जो अभी मैंने स्क्रब यूज़ किया था उससे एक्सफोलिएट हो गया था, और इस क्रीम को यूज़ करने के बाद वो मॉइस्चराइज हो गए थे। तो बस यहीं तक हमारा मसाज था, अच्छे से किया मैंने, एंड बहुत बहुत अच्छा फील हो रहा था इसको यूज़ करके। देन मैंने अपने फेस को किया अच्छे से क्लीन, एंड देन मैं यूज़ करूँगी इसका पावर वाइटनिंग पील ऑफ मास्क। एंड देन एक बार में मतलब पूरा ये ख़त्म कर देना है आपको, बचा के नहीं रखना। पूरा पैक मैंने यूज़ कर लिया, देन उसमें मैंने मिलाया है रोज़ वाटर। आप चाहो तो नॉर्मल पानी भी मिक्स कर सकते हो, मुझे रोज़ वाटर यूज़ करना ज़्यादा पसंद है, तो मैंने यहाँ पर यूज़ किया है हर्ब टॉनिक का रोज़ वाटर, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है, मुझे बहुत पसंद है। अब ये मास्क लेना है, जितना थिक लगा सको उतना थिक लगा लो, कोई और अगर आपके फेस पर लगा दे तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि अपनी आईज़ के ऊपर भी लगवा लो आईज़ बंद करके। बट मुझे तो यहाँ, मैं साथ में साथ फेशियल भी कर रही थी और वीडियो भी बना रही थी, शूट कर रही थी, तो इसके लिए मैंने अपनी आईज़ के ऊपर नहीं लगाया, और मेरे पास कोई था भी नहीं जो आईज़ के ऊपर लगा दे, लेकिन लिप्स के ऊपर तो मैंने इसको लगा ही दिया। लेकिन अगर आप ये पार्लर में लगवाओगे ना तो वो आपकी पूरी आईज़ पर भी लगाएंगे, और ट्रस्ट मी गाइज, यही फेशियल मैं पिछले महीने अपने पार्लर में जाके करवा के आई, उन्होंने मुझसे 2500 रुपये चार्ज किए। अब सोचो मैंने ये फेशियल परचेज किया था 40 या 45% डिस्काउंट पे, 560 से 550 रुपये इसका प्राइस है, तो मुश्किल से 350-300 का पड़ा होगा मुझे ये, है ना। और इसी फेशियल को मैंने घर पर कर लिया, अपने सारे पैसे बचा लिए, और लास्ट मंथ जो मैं करा के आई थी पार्लर में 2500 रुपये मैंने पे किए थे। अब मुझे जब मैंने इसको परचेज़ किया तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ यार कि मुझे घर पर ही कर लेना चाहिए था। अभी नेक्स्ट टाइम से वही करने वाली हूँ मैं, सारे फेशियल अभी दोबारा से घर पे ही करने वाली हूँ। बीच में मैंने फेशियल्स करने छोड़ दिए थे, मैं केमिकल पील यूज़ कर रही थी, तो अभी मैंने वो बंद कर दिया है और फिर से फेशियल्स कर रही हूँ। तो देखो काफ़ी अच्छा रिजल्ट है इसका, इसको लगाना है, और इसको लगाने के बाद आधे घंटे के लिए ना मस्त नींद ले लो, सो जाओ अच्छे से, क्योंकि ये ड्राई होना चाहिए अच्छे से। ड्राई होगा तभी आपकी स्किन जो है ना प्लम्पिंग लगेगी, ग्लोई लगेगी, और आपकी स्किन के ऊपर ना लगाने के बाद ये ठंडा ठंडा सा महसूस होता है, बड़ा मज़ा आता है इसको यूज़ करके। इसको मैं पहले भी बहुत यूज़ करती थी, इसका पील ऑफ मास्क, इसका पावर मास्क का बहुत सारे रिव्यूज़ मेरे चैनल पर हैं। एक्चुअली O3 प्रोडक्ट के सबसे ज़्यादा अगर किसी ने रिव्यू शेयर किए हैं तो मुझे लगता है मैंने किए हैं। मेरे चैनल पर ना एक प्रॉपर लिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट बनी हुई है O3 की, थोड़ा सा रनी बन गया था मेरे से, इसके लिए टपक रहा था, लेकिन 5 मिनट के बाद देखोगे ना तो ये टाइट होना स्टार्ट हो जाता है, और आधे घंटे के बाद ये अच्छे से ड्राई हो जाता है, कुछ इस तरीके से हो जाता है। हाँ तो मैं ये कह रही थी O3 की ना प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके चेक कर लेना, बहुत सारे प्रोडक्ट का रिव्यू मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। इसको ना अभी निकालना है इस तरीके से, पूरा मास्क जो है निकल जाएगा, उसके बाद से फेस वॉश कर दीजिए और देखिए आपका चेहरा कैसे चमकता है। और इसका जो रिजल्ट है आपको कम से कम 15-20 दिन तो अपने चेहरे पर दिखेगा, 15-20 दिन के बाद आप अपना फेशियल जो है रिपीट कर सकते हो, कोई भी दूसरा फेशियल है ये सेम फेशियल आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन ये बहुत अच्छा लगा मुझे, अगर आपको परचेज़ करना है, अगर आपको ये यूज़ करना है तो डेफिनेटली आप इसको यूज़ कर सकते हो, इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं और कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ऑल स्किन टाइप है। एंड देन येस, इसको मेन भी यूज़ कर सकते हैं, वुमेन तो यूज़ कर ही सकती हैं, एंड येस अफोर्डेबल भी है और हर जगह ये अवेलेबल है। कम से कम 5-10% का डिस्काउंट आपको हर जगह मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, तो आपको चेकआउट करना हो तो आप ज़रूर कर सकते हैं। एंड ये लास्ट स्टेप है, इसके बाद से आपको फेस वॉश कर देना है, एंड देन उसके बाद से कम 24 घंटे तक अपने फेस के ऊपर कोई भी आपको साबुन या कुछ भी नहीं लगाना। सीरम आप लगा सकते हैं, लेकिन इसके बाद आपको साबुन से फेस वॉश नहीं करना, कम से 24 आवर तक आपको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं लगाना फेस पर, पानी से धोइएगा, उसके अलावा कुछ मत कीजिएगा। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।